हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं कि पेन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें पेन कार्ड के लिए आना होता है ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे आने वाले टाइप करना होता है पेन कार्ड। अब जैसे पेन कार्ड हम क्लिक करते हैं तो इसी के जस्ट नीचे इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। और वह जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह है यहाँ पे www.onlineservices.nsdl.com, जिसे बोलते हैं ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन एनएसडीएल। मतलब इसका मतलब ज्यादातर यहीं से बनता भी है और यहीं से करेक्शन भी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वह कैसे होगा। देखो लिखा भी गया है ना कि न्यू पेन कार्ड, ठीक है, या आप करेक्शन करना चाहते हो इसका करेक्शन भी कर सकते हो। तो आप लोग को क्या करना होगा, इसी पे क्लिक करना होगा। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखो सब ऑप्शन दिया, होम, रिप्रिंट ऑफ पेन कार्ड, डाउनलोड ही पेन कार्ड स्टेटस, मतलब यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, फिर से प्रिंट करना चाहते हो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, और यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, अप्लाई ऑनलाइन और यहाँ पे दिया कंटिन्यू विद एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे किसका, अप्लाई ऑनलाइन। हाँ, कंटिन्यू द विद एप्लीकेशन का इस्तेमाल कब करेंगे, जब अप्लाई कर दिया था और किसी कारणवश कुछ फॉर्म हमारा भरना भूल गया था, छोड़ दिया था, और उस दिन पेमेंट भी नहीं किया था, और आगे चल के फिर से उस प्रोसेस को पूरा करके पेमेंट करना है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यू विद एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो समझे, मतलब जब तक हम लोग फार्म नहीं भरेंगे तब तक तो सबमिट होगा नहीं सही से। सबमिट हो जाएगा तो पेमेंट का ऑप्शन पूछा जाएगा, तो पेमेंट दे दिए तो समझ जाओ कंप्लीट है। अगर पेमेंट नहीं दिए, अगले दिन कुछ चेंजिंग करना है या वहीं से पेमेंट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और एक ही दिन सब कर लिए तो अप्लाई से ही हो सकता है। ठीक है, अब अगले दिन कैसे करोगे इससे, तो जब करते हैं फार्म भरते हैं और कंप्लीट भी नहीं होता है ना, तभी एक नंबर मिल जाता है जिसे बोलते हैं टेम्पोरी टोकन नंबर। ठीक है, और उस टेम्पोरी टोकन नंबर से हम लोग इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, चलिए मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग समझिए थोड़ा सा। इसके लिए सबसे पहले देखो आपको आना होगा और एक लिखेगा एप्लीकेशन टाइप। तो एप्लीकेशन टाइप में आने के बाद से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला देखो ऑप्शन दिया है न्यू पेन इंडियन सिटीजन, और फार्म 49, मतलब अगर भारत से बिलोंग करते हो तो आपको फार्म 49A भरना। और देखो न्यू पेन फॉरेन सिटीजन, अगर फॉरेन से बिलोंग करते हैं आप, ठीक है, और यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, तो आपको 49A भरना होगा। ठीक है, चार्ज भी अलग अलग है, लगभग इसका अगर लगेगा, अगर हम खुद भरते हैं, हम लोग खुद भरते हैं तो 107 रुपया लगेगा। अगर दुकान से ही भरवाते हो आप लोग तो 200 से 150 रुपया लेते हैं सब, कई लोग 250 रुपया भी ले लेते हैं। ठीक है, वो अलग अलग बात है, मार्केट के ऊपर है वो कि कहाँ पे दुकान कम है और कहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, अगर हम लोग भरेंगे तो कम लगेगा, प्लस ध्यान देना अगर फॉरेन से रिलेटेड बिलोंग करता है तो लगभग 1,000 लगेगा उसका। अब बताइए हमारे लिए कितना छूट है, उसके लिए देखो कितना है। मतलब अगर हम लोग भारत से बिलोंग करते हैं और अपना फार्म भरते हैं तो 107 रुपये में काम चल जाएगा। अगर फॉरेन से बिलोंग कर रहा है और अपना फार्म भर रहा है तो समझ जाओ लगभग 1,000 रुपये लगेगा उसका। ये कैसे अब भी है, अभी दिखाऊंगा कितना दिखा रहा है इसका। अब दुकानदार भरेगा तो कुछ चार्ज लेगा ही लेगा। चलिए, और यही भी दिया यहाँ पे चेंज और करेक्शन एग्जिस्टिंग पेन डाटा, मतलब कुछ चेंज करना होता तो यहाँ से लोग करते हैं, करेक्शन करते हैं। हाँ, करेक्शन करने में भी चार्ज उतना ही लगेगा। हाँ, जितना बनाते समय लगे थे ना उतना करेक्शन करते समय लगेगा, इसीलिए सोच समझ के बनवाना चाहिए, भरवाना चाहिए और डिटेल सही सही होना चाहिए। तो आते हैं न्यू पेन इंडियन सिटीजन पे क्लिक करेंगे,
और क्लिक करने बाद से पूछेगा कैटेगरी। अब कैटेगरी क्यों दिया है इसमें, तो कह लो मान लो किसी का कोई फर्म होता है, कोई बड़ा सा बिजनेस होता है, कोई ट्रस्ट होता है, ठीक है, अलग अलग कामों के लिए बनवाते हैं, उसी से तो आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि पैसा आ रहा है तो हाँ समझ जाएगा बिजनेस है इसलिए पैसा ज्यादा आ रहा है, समझे ना, कोई फर्म है इसलिए पैसा ज्यादा आ रहा है, ये इंडिविजुअल है तो सैलरी मिल रहा होगा। तो जब तक कैटेगरी सही से नहीं भरेंगे ना तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। मान लो वैसे नॉर्मल कमाते थे और अचानक क्या हुआ, एक बिजनेस खोल लिए और करोड़ रुपए कमाने लगे, तो जब हम पैसा जमा करें तो कहेगा करोड़ रुपया कहाँ से आ रहा है, अभी तो 10,000 जमा कर रहा था, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से करेक्शन करके क्या करना पड़ेगा, हाँ बताना पड़ेगा बिजनेसमैन हो गए हम इसलिए पैसा ज्यादा आ रहा है, ठीक है, रेट पड़ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए इसी तो लोग पकड़ते हैं। ये जारी कौन करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग, देखो लिखा गया है, देखो टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब इसलिए बनवाता ही बनवाता है, इसी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं लोग, चेक कर पाते हैं कि पैसा कितना लेन देन कर रहा है और कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ठीक है, इनकम का स्रोत क्या था और इनकम आ रहा है कहाँ से, ठीक है, तो वही करके आगे चल के जब पैसा ज्यादा लोग ट्रांजेक्शन करते जाते हैं या कुछ लोग पैसा जमा ही नहीं करते हैं, गवर्नमेंट खोलता है कि पैसा कहाँ रख रहा है, कोई घर पे रेट पड़ता है तो पता चलता है दीवार से निकल रहा है, कुछ कहीं से निकल, हाँ किसी के टॉयलेट से निकल रहा है, निकला था ना हाल ही में, कोरोना टाइम निकला नहीं था पढ़ाना में, बहुत सारे लोगों का निकला था, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पैसा लोग क्यों लुकवा के रखते हैं बताओ, हाँ गवर्नमेंट को बताएंगे उसका टैक्स देंगे, आ नहीं बताएंगे तो नहीं देंगे, तो कई लोग बांट देते हैं रिश्तेदारों में, ठीक है, इधर उधर दे देते हैं, कई लोग घर में ही रख देते हैं कोई छुपा के, ठीक है, आगे चल के कभी आप किसी को शक होता है या कोई बता ही देता है, देखा हो तो रेट पड़ता है तो पकड़ लेते हैं सब। चलिए आते हैं कैटेगरी पे, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हैं, हम लेंगे इंडिविजुअल, मतलब अगर कोई व्यापार नहीं है आपका ना, कोई फर्म नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, तो इंडिविजुअल लीजिएगा, क्या लीजिएगा, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, समझे। अब आ जाएंगे नीचे और यहाँ पे पूछेगा एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरेंगे टाइटल, और टाइटल में देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया श्री श्रीमती और कुमारी, ठीक है ना, तो टाइटल आपको इसमें से कोई ना कोई एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो श्री श्रीमती कुमारी तीनों दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, तो चलो हम आते हैं श्री ले लेते, आपको सर श्री क्यों लगा रहे हो, शादी हमारा हुआ ही नहीं है, हुआ नहीं हुआ श्री लगाना है, ठीक है, आएगा तभी मिस्टर, समझे ना, यहाँ पे श्री लगाना जरूरी है, या हुआ या नहीं, आज नहीं तो कल श्री हो जाओगे, ठीक है, चलिए आते हैं आगे बढ़ते हैं, इसीलिए बार बार पैन कार्ड नहीं बनाना है, तो आते हैं, हाँ फीमेल के लिए ऑप्शन दिया है श्रीमती और कुमारी दोनों दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है लास्ट नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, तो यहाँ पे लास्ट नेम क्या है बताओ, कोई एक बता दे जिसका आधार से लिंक हो, बस कंप्लीट बता दे, को अगर नहीं बताओगे ना मैं कर करके दिखा दूंगा, यहाँ यहाँ ऐसे जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अगर कोई अपना डाटा बताता है दिखाता है तो मैं पूरा कंप्लीट तक बता दूंगा, बस पेमेंट नहीं करेंगे हम लोग, फिर से आगे चल के जब तुम्हें करना है कर लेना, कोई अपना एक बताए कोई नहीं बताएगा, आपका बना है ना, नहीं बना है तो नहीं, जिसका नहीं बना उसके लिए बोल रहे, जिसका बना है फिर से नहीं सबमिट करेंगे, जिसका बन गया आ गया वो नहीं, जिसका नहीं बना है करना चाहता है, इसीलिए नहीं पास इंटरनेट का टॉपिक में छोड़ देते, हाँ अच्छा हमारा बाकी है, हमने बनवाया हूँ, इसमें कोई ऐसा है जिसका नहीं बना है, चलो मोबाइल नंबर लिंक नहीं तो भी छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, तो भी बता दो, बस वही लास्ट में जो ओटीपी जाता है वो पेमेंट करने के बाद आता है, तो हम पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता ही दें, ओटीपी भी जरूरत नहीं है, बस आधार से नाम से 17 साल है, 18 साल यहाँ ऑप्शन नहीं दिया माइनर में, हाँ इसमें नहीं दिया सीएससी वाले बनाने, कोई नहीं बोलेगा, इसमें देखो डिटेल हमको सही सही डालना है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, नहीं नकली उकली इसे राम रमेश जो भी डालना होता ना तो हम आगे बढ़ जाते हैं, इसमें आगे बढ़ने नहीं देगा, जब आधार नंबर गलत डालेंगे ना तब तो वाला आगे नहीं बढ़ने देगा, और उसके बाद अगर कोई फार्म भरेंगे तो हो जाएगा,
बना तुम्हारा? नहीं बना उसके लिए नहीं। अबे आधार नंबर डालो तो मैच करे नहीं, चेक करेगा आधार से ना, तुरंत चेक कर लेगा ये डेट ऑफ बर्थ गलत है सही। नहीं करेक्शन फार्म वाला करेक्शन करना है, करेक्शन करना अलग प्रोसेस है, इसे नया बनवाना। नहीं बताओगे पैसा उतना ही लगेगा। चलो कोई बात नहीं, नहीं बताओगे ना तो मैं इसका एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, देख लीजिए मैं बना के रखा हूँ। क्या करूंगा जब नहीं बताओगे, डिटेल जब आगे बढ़ेगा नहीं तो बता ही नहीं सकता।